दशहरे पर मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे गांधी ग्राउंड पर धूमधाम से रावण दहन किया गया। सबसे पहले भगवान हनुमान का स्वरूप धारण किए व्यक्ति द्वारा 100 फीट लंबी सोने की लंका जलाई गई, जो लोगों के बेहद आकर्षण का केंद्र रही। इसके बाद 65 फीट ऊंचे मेघनाद व कुंभकर्ण और फिर 70 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। तभी पटाखों की गूंज से पूरा गांधी ग्राउंड गूंज उठा। धीरे धीरे जलते हुए पुतले नीचे गिर गए। बड़ी संख्या में शहरवासी इस नजारे को देखने पहुंचे। इससे पहले दोपहर को शक्ति नगर से शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें स्केटिंग, अखाड़ा प्रदर्शन, सांस्कृतिक प्रदर्शन जैसी झांकियां शामिल थी। साथ ही भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान की झांकी भी थी, जिनके दर्शन को लोग उत्साहित नजर आ रहे थे। श्री बलूचिस्तान पंचायत व श्री सनातन धर्म सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें अतिथि ग्रामीण विधायक फूल सी मीणा, महापौर गोविंद टाक आदि थे। मैं विजय जी से
गुजारिश करूंगा कि एसपी साहब का यहीं पे स्वागत करें, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, रिवायत है सब। भगवान श्री राम राक्षसी साम्राज्य के किलों को जनशक्ति के माध्यम से दहाते हुए जनता को लामबद्ध करते हैं, और एक जन क्रांति होती है जो काम साधन सफल होते हुए भी रावण के आतंकी साम्राज्य में ध्वस्त कर देती है। राम नाम मणि दीप धरे जिह देहरी द्वार। भगवान परशुराम का स्टैच्यू मीरा प्रताप महिला संस्थान सचमुच आपकी जय में वो तासीर है, वो उत्साह है, वो ऊर्जा है जो थोड़ी ही देर में इस स्वर्ण नगरी लंका का समूल नष्ट करेगी, उसके बाद मेघनाथ को करण और रावण का काम तमाम होते हुए हम देखेंगे। हमारे बीच में हमारे